हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल तरीके का अचार। अचार तो आपने कई बनाए होंगे, लेकिन एक बार आप ये वाला अचार ज़रूर ट्राई करना। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, सालों साल खा भी सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि पानी रख दिया बॉयल होने के लिए। उसमें मैंने आधा चम्मच चीनी डाल दिया। जब पानी में एक बॉयल आ गया तो फिर मैंने एक कप मटर डाल दिया है। आप मटर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको अचार बनाना है उतना आप ले सकते हैं। ये देखिए मटर हमारा बॉयल हो गया। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। स्ट्रेन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत चिल्ड वाटर में डाल देंगे। मैंने चिल्ड वाटर लिया, आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इतनी ठंड में आइस क्यूब की क्या ज़रूरत है। देखिए अब दोबारा मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया ठंडे पानी से भी। अब मैं इसको प्लेट में डाल दूँगी और उसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, फिर आधे घंटे के लिए धूप में रख दें। अभी हम मसाला तैयार करेंगे अचार का। मैंने पैन गरम कर लिया, उसमें एक चम्मच डाला जीरा, एक चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच साबुत धनिया। अब इस मसाले को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तब तक रोस्ट करते हैं जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं दूसरे पैन में करीब आधा कप, ये तेल है सरसों का तेल है, इसको मैं गरम कर रही हूँ। इसमें हींग डाल दिया। गैस का फ्लेम ऑफ है अभी, क्योंकि तेल हमारा इतना गरम हो चुका है। अभी मैं डालूँगी आधा चम्मच सौंफ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा क्रंचीनेस आता है पिकल में तो अच्छा लगता है। अभी मसाले हमारे ठंडे हो गए, मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए हमारे अचार के मसालों का पाउडर भी रेडी हो गया। हमारे मटर भी सूख के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो आप इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से वाइप कर लें। मैंने बाउल में मटर को रख दिया। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक, आधा चम्मच ब्लैक साल्ट। ब्लैक साल्ट से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच जो हमारा अचार का मसाला तैयार हुआ है उसको डाल दिया मैंने। 1 चम्मच पीली राई का पाउडर है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो तेल गरम करके हमने रखा था वो ठंडा हो चुका है, उसको भी हम डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। जो इसमें बचा हुआ तेल है उसको भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए अचार का कलर कितना खूबसूरत आया हुआ। अब इसमें मैं 1 चम्मच विनेगर डालूंगी और इसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद, मतलब कितना अच्छा सा अचार तैयार हो गया है। अब इसको किसी भी जार में स्टोर करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ।